हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज जो ये वीडियो है ना, मुझे बनाना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपके स्केच आउटफिट कहाँ गए, वेडिंग सीरीज कब स्टार्ट होंगी। एंड अगर थोड़ी बहुत साउंड आ रही है तो मैंने फिर भी फैन ऑन किया है दो नंबर पे, क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही है। तो मैं वो सब चीजें अब इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज ये चीजें डिले क्यों होगी या फिर क्या होने वाला आगे, वो सब चीजें मैं आपको भी बताती हूँ। आराम से बैठ के बता रही हूँ, कुछ नहीं आज मेरे पास कि ये है होल वीडियोज या फिर ये है, कुछ भी नहीं आज, खाली हम मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा आज। तो मेरी क्या हुआ, जब मैंने आपको बताया था कि सितंबर के अंदर कि मैं होल सीरीज वीडियो वेडिंग सीरीज लेकर आऊंगी, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं दिल्ली से आई थी जस्ट अभी, दिल्ली के एक दो दिन बाद ही मैंने वो वीडियो बना ली। एंड वहां पे उसके बाद मैं अब काफी ज्यादा बीमार होगी, 20 दिन बाद निकल गई। 4-5 दिन के बाद मेरे ना यहाँ पे नेक से पेन शुरू हुआ। मैं तब आउटफिट बना रही थी, ये वाला साड़ी वाला, ये देखो कतरन बाकी है साड़ी की थोड़ी सी, तो ये आउटफिट बना रही थी मैं। तो बनाते बनाते ना मेरे यहाँ से शोल्डर में पेन चला, तो मैंने कहा नॉर्मल ही है, क्या ही है, पेन तो ऐसे चलता रहता है, कई बार ऐसे चला आ जाता है, कुछ और हो जाता है। मैं अपने काम पे ध्यान देती रही, थोड़ा बहुत ऑयल मसाज करवाई, 3-4 दिन चलता गया। भाभी कहती मेरे भी आया था पेन पर चला गया था, फिर मैंने कहा शायद मेरे भी चला जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ऐसे निकल गई कई दिन, मैंने मेडिकल से भी मेडिसिन ले ली यहाँ पे, तो वो थोड़ा आराम किया उसने मुझे, से रात को ले लिया तो दर्द कम हो गया, नींद आ गई, मैं कस होगी। मैं ऐसे चलते रहे भैया, ऐसे निकल गए कोई 9-10 दिन निकल गए ऐसे करते करते। फिर हालांकि बीच में काम भी कर रही थी मैं, और वो जो मेरे स्पॉन्सरशिप वाला काम था, मतलब जो एफिलिएट मार्केटिंग वाला बिशनिंग वाला काम था, वो मैं ज्यादा कर रही थी। तो मैंने कहा चल पहले वो निकाल देती हूँ, स्केच आउटफिट तो मेरे हाथ में, कभी भी कर लूँगी तो मेरा काम है, कोई सी ऐसा बर्डन तो है नहीं कि कर ये दिन फिक्स कर इसी दिन देना है। तो उसके बाद वो भी पेन ज्यादा हो गया, ये पेन बहुत गंदे वाला होने शुरू हो गया, और यहाँ से हटके फिर लेफ्ट में निकल गया। तो फिर बहुत ही मैं डॉक्टर के पास गई, और मतलब मैंने जाने से पहले ही चेक कर लिया गूगल पे, सिम्टम्स लिख दिए अपने कि ये सिम्टम्स मेरे अंदर है, तो क्या बीमारी है भाई अर्ली हेड की, तो उसके अंदर आ गया ब्रेन ट्यूमर। और जैसे आया मैं कहूँ भाई ये मतलब एक डर तो लगता ही है ना, ब्रेन ट्यूमर कोई आम बीमारी थोड़ी है। तो मैं जैसे डॉक्टर के पास गई ऐसे डरी डरी सी, ऐसे मतलब अपने अंदर पाठ किए जा रही हूँ एंड नाम जपे जा रही हूँ, भगवान को याद किए जा रही हूँ। और वहां जाती हूँ, उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया, फिर उन्होंने मुझे दो एक्सरे लिए, एक तो नेक के एक सर्वाइकल के, तीनों नॉर्मल, ब्लड टेस्ट भी सर्वाइकल वाला भी और नेक वाला भी। उसके बाद डॉक्टर नॉर्मल मेडिसिन लिख के दे दी कि नॉर्मली पेन है, आप ये मेडिसिन खाओ। मैं घर आ गई, मैंने खाना खाया, मैंने मेडिसिन ली, उसके बाद फिर से वो पेन चल पड़ा। उतना गंदा मतलब ऐसे पेन होता था इस जगह पे, यहाँ पे कान के लेफ्ट इधर साइड, लेफ्ट साइड क्या मतलब लेफ्ट साइड पे, ये कान के इस साइड पे, यहाँ पे पेन इतना गंदा होता था मेरे, जैसे कोई ना निडल ऐसे ऐसे मार रहा है अंदर मेरे, तो मेरे इतना गंदा पेन, ना मैं बैठूं ना मैं सोऊं, मैं ऐसे ऐसे बस मम्मी मेरे दर्द हो रहा है, मम्मी मम्मी ऐसे ऐसे मतलब मैं कर रही हूँ मैं। फिर भाई मेरे को तो लगा नहीं ये चीज तो नहीं, फिर मैं वापस शाम को, देखो आज सुबह गई डॉक्टर के पास, शाम को फिर चली गई। डॉक्टर कहते आप सुबह तो आए थे, मैंने कहा डॉक्टर भी आराम नहीं है, आपकी दवाई मैंने खाई है खाना खाने के बाद, एटलीस्ट दर्द तो कम हो, आई नो धीरे धीरे रिकवरी होगी, बट एटलीस्ट पेन तो कम हो, पेन ही नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा आपके जैसे को सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा फिर इसका, ठीक है। तो कुछ मैंने वही है ना कि मैंने चेक कर लिया था गूगल पे कि वो मैंने डॉक्टर को बता दिया था, तो डॉक्टर कहते हैं इसका वैम भी है कुछ कि इसको है ऐसा कोई ऐसा कुछ है, तो उन्होंने सिटी स्कैन करवा लिया। और सिटी स्कैन मशीन देख के मतलब कि भाई इतनी बड़ी मशीन, इसके अंदर ऐसे बॉडी जाती है पूरी ना लेट से, अपने मैंने फोटोज देखी थी आज तक और रियल लाइफ में भी देख लिए, तो सिटी स्कैन मशीन हालांकि है तो कुछ भी नहीं, तो ऐसे वहां पे मेरा सिटी स्कैन हुआ। और कुछ लोग तो ब्लॉग बना लेते हैं ना हॉस्पिटल वगैरह में भी, तो मतलब हिम्मत होती है यार लोगों के अंदर, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो बस यूं ही था कि हाँ पॉजिटिव आ जाए रिपोर्ट। तो वहां से रिपोर्ट ली, उसको लगा आधा घंटा, लेके मैं डॉक्टर के पास गई, नॉर्मल आई सिटी स्कैन में, तो वो कहते नहीं नॉर्मल पेन है, मेडिसिन उन्होंने एक दो पेन किलर और लिख दी, ज्यादा दर्द हो तो इंजेक्शन लगवा लेना, मैंने कहा नहीं वो तो मैं नहीं लगवाऊंगी। तो मैं घर आ गई, और घर आने के बाद मेरा दर्द रहा, फिर मुझे लगा कि चलो मैं किसी और डॉक्टर से नहीं समझ आ रहा इनको, तो मैं किसी और से पूछती हूँ। तो मेरा फ्रेंड है उनकी मतलब वो हॉस्पिटल है उनका, तो मैंने उनसे पूछा, तो उनके डॉक्टर ने मुझे मतलब मेरी बात हुई उन डॉक्टर से, उन्होंने मेरा बताया, तो वो कहते नहीं ब्रेन ट्यूमर कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, आपके नस दब रही है, कोई नस पे दबाव आ रहा है, जब वो दबती है तो आपके इधर, हाँ मेरे हाथ में पेन जा रहा था, यहाँ पे पेन आ रहा था फिंगर्स के अंदर से, कोई नस दब रही है ऊपर से, क्योंकि इसका तो सारा खेल है, इसके ऊपर तो हम जी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐसे फील हो रहा था मुझे, और यहाँ पे पैर पे भी ऐसे फील हो रहा था कि कुछ ना दब रहा है, कुछ यहाँ से हो रहा है, अचानक पेन जागता, गंदे वाला पेन जागता मेरे। और ना पेन के अंदर भी मैं इसकी स्टिचिंग कर रही थी मैं, मतलब अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, एक साड़ी बाकी है, इस साड़ी का मैंने कुछ कट नहीं किया, जस्ट इसकी लेस खोली अभी तक, और ये साड़ी का आउटफिट रेडी है, लहंगा नहीं है, इतना पता चल गया आपको, क्योंकि लहंगा आप बोल रहे थे ना कलियों वाला लहंगा होगा, दोनों को मिला के करूंगी, कुछ नहीं है, बिल्कुल हद के आउटफिट है। तो अपने उसी टॉपिक पे आते हैं, तबियत वाले पे, हेल्थ वाले पे।
तो फिर मैं उस डॉक्टर की मेडिसिन खाना शुरू की। उसने बोला कि इसमें से एक मेडिसिन ऐसी है जो आपको तंग करेगी, थोड़ा सा परेशान करेगी, पेशेंस रखना सही हो जाओगे। तो मेरे क्या बर्निंग सेंसेशन होती थी आर्म्स के अंदर, लेग्स के अंदर, रात को मतलब मैंने टांगे मारनी करके मैं बोलती थी मेरे पैरों पे ऐसे ना मालिश कर दे मेरे को थोड़ा चैन आ जाए। मैं ऐसे पैर मारती मंचो में जोड़े, मैंने ना पूरे ठंडे पानी की बाल्टी मेरे ऊपर फेंक दो, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। तो क्या बंदे को इस टाइम पे थोड़ी ऐसे दिखता है कि स्क्रैच आउटफिट बना लो, वेडिंग से स्टार्ट कर लो, कुछ नहीं दिखता बंदे को। बंदे को दिखता है कि मैं फिट हो जाऊं, मेरे को कुछ नहीं, मैं वाले बाढ़ में जाए वेडिंग सीरीज, मुझे बनाने की आउटफिट्स, मुझे मेरी हेल्थ चाहिए भाई। हेल्थ ऑब्वियसली यार, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी। और डॉक्टर ने सबसे पहले ये बोला था कि कोई टेंशन है आपको, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे आपको स्ट्रेस दे रही है, कोई प्रेशर है किसी चीज का, या फिर ज्यादा लेट नाइट आप काम करते हो, नींद प्रॉपर नहीं आपकी, ये चीजें मैंने उन्होंने पूछा, मैंने उनको बताई सारी चीजें। तो फिर वो 5 दिन दवाई खाई, मुझे आराम मिला और अभी शुक्र तबीयत ठीक है अभी के लिए। पता नहीं क्या ही हो रहा है कि तबीयत मतलब कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, पता ही नहीं क्या ही कुछ है। तो अभी ठीक है तबीयत। तो अभी फिर मेरे मतलब मैंने जो विशलिंग, आपको जिनको पता है उनको पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, तो वहां पे मेरे काफी सारे ऑर्डर्स आए हुए थे। यहाँ पड़े हैं सॉरी अगर डॉग्स की आवाज आ रही है तो, ये बूदी का आउटफिट पड़े हैं, लिबास एंड इधर टोक्यो टोकीज के, मतलब बहुत कुछ पड़ा है इधर उधर सब। फिर मुझे दिखा कि इनकी डेट्स फिक्स है 15-15 दिन है, पहले इनको निकालना पड़ेगा, मेरे आउटफिट्स तो बाद में आ जाएंगे तो भी चलेगा। तो इन पे काम करना शुरू कर दिया, जब इन पे काम करना शुरू कर दिया मैंने, तो मान लो सितंबर का महीना मैंने पूरा एफिलिएट मार्केटिंग में दिया। एफिलिएट मार्केटिंग में देने के बाद फिर जब इसकी पेमेंट मुझे अक्टूबर मंथ में आई, वैसे तो हर दिन की पेमेंट मुझे दिख रही थी एफिलिएट मार्केटिंग की हर दिन की, तो इसकी पेमेंट मुझे आई अक्टूबर मंथ के अंदर। और जो पेमेंट आई है ना मुझे, आपको मैंने दिखाया वो जुलाई का जो टारगेट था मेरा, मैंने आपके साथ शेयर किया है कितने डॉलर मैंने कमाना चाहती थी, कितने मैंने कमा लिए, वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया जुलाई मंथ के अंदर। तो अगर मैं उस पेमेंट के साथ कंपेयर करूँ इस एफिलिएट मार्केटिंग की पेमेंट का मतलब कमाई का जो है, बहुत मतलब YouTube पे एक तो जब स्क्रैच आउटफिट वीडियो मार लो, ये आउटफिट बन गया, ठीक है ये आउटफिट बन गया, तो सामने वाला किसी को बोलूंगी कि भी आप मेरी वीडियो बना दो। जैसे आपको पता है मैं फार्म में वीडियो बनाती हूँ ना, तो वहां जाती हूँ वीडियो बनाता है कोई पर्सन मेरा, 2-3 घंटे वहां लगते हैं, फिर यहाँ पे एडिटिंग करने में 2-3 घंटे मुझे फिर निकल जाते हैं। इतना टाइम दे के भी उस पे मैंने अभी देखा मेरे पीछे जो ब्लू साड़ी वाली है, ब्लू साड़ी का जो मैंने आउटफिट बनाया, तो उसकी स्क्रैच आउटफिट वाली वीडियो, कटिंग एंड स्टिचिंग की बात नहीं कर रही, स्क्रैच आउटफिट वाली वीडियो पे 71 के व्यूज है। उस पे मैंने कमाया $24 $24 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो है 1994, मतलब 2000 मान लो चलो पूरा 2000 रुपए, सिर्फ 2000 रुपए इतनी मेहनत करके, सिर्फ 2000, मतलब कोई नहीं करेगा फिर ऐसे मेहनत। तभी तो आज क्या हो गया, शॉर्ट्स का जमाना आ गया, रील्स का जमाना आ गया, ब्रांड्स भी शॉर्ट्स मांगती है, उनको पता है कि अब है ही नहीं लेंथी वीडियो के अंदर वो रीच है ही नहीं ना वो पैसा है। फिर मैंने अब कंपेयर किया कि यार मैं यूट्यूब पे इतनी मेहनत करती हूँ, नींद गई रातों की है ना, डॉक्टर पूछ रहे कितने बजे सोती हूँ, तो मैं सच्ची बोलूंगी मैं कितने बजे सोती हूँ। मैंने बोला भाई ये डॉक्टर कहते गलत, 2-2 बजे सो रहे हो, 5-5 बजे उठ रहे हो सुबह, तो ये गलत है भैया, आप अपने बॉडी के साथ गलत कर रहे हो। हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ साथ होगी तो काम कर लोगे। आप काम के लिए पीछे भाग रहे हो तो 4 दिन तो ज्यादा काम कर लोगे, फिर लंबे लेट जाओगे आप। तो बात तो सही डॉक्टर की। तो जो कमाई मैंने देखी दोनों इधर, तो मतलब यूट्यूब पे तो इतना ज्यादा कि मतलब डांस सर्कस भी हो गई, इतने लेट नाइट काम करके कितना ज्यादा मेहनत, कोई भी एक स्टिच अगर मैं मान लो अब ये जैसे आउटफिट बनाया, मान लो इस आउटफिट के अंदर हाफ आउटफिट मैं बता दूं कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करके बना लिया, मैं इसकी कटिंग स्टिचिंग रिकॉर्ड नहीं करी, मुझे पक्का पता नीचे तुरंत कमेंट्स आ जाएंगे, ले अब जो बिगिनर्स है वो क्या करें, अब हम कैसे बनाएं, हम कैसे बनाएं। मैं किसी वीडियो में अगर ये भी बोल दूं ना कि ये नॉर्मल स्लीव्स है, मैंने अटैच कर दी, दिखा दी आपको अटैच कर लिया, फिर नॉर्मल राउंड नेक है कि मैंने ये बना लिया और मतलब मैंने ऑफ कैमरा बना लिया, तो फिर कमेंट्स आएंगे यही तो हमने देखना था। हर चीज रिकॉर्ड नहीं होती, मतलब टोटली मतलब होने को तो हो जाती है, जिनकी चैनल है कंप्लीटली कटिंग एंड स्टिचिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं सिर्फ आइडियाज देने के लिए आई हूँ, मेरा चैनल सिर्फ आइडियाज के लिए है, तो नहीं करती तो एक एक चीज को रिकॉर्ड करने के लिए मतलब हर जगह कैमरा कैमरा, मतलब इतना बर्डन लेने के बाद, इतनी वीडियोज बनाने के बाद और एडिटिंग करने के बाद कितना पैसा बनता है वो मैंने आपको दिखा दिया जुलाई मंथ की कमाई, और उससे कहीं ज्यादा गुना 10 दिन के अंदर मैं एफिलिएट मार्केटिंग में कमा गई 10 दिन के अंदर। अभी मतलब अभी जो क्या चल रहा है सितंबर अक्टूबर, अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है और आज डेट है 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर तक मेरी जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अर्निंग है यूट्यूब से कहीं ज्यादा अर्निंग है मेरी। अभी देख लो महीना नहीं कंप्लीट हुआ, अक्टूबर मंथ ने अभी कंप्लीट होना है, अभी कितने दिन बाकी है, 13 डेज बाकी है अभी। तो फिर ऑब्वियसली बंदा तो वहीं जाएगा जहां उसको पे ज्यादा मिलेगा,
हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, हम पेमेंट हमारी जॉब है। देखो हम पैसा तो आना ही चाहिए यूट्यूब वीडियो से या फिर सब चीजों से, और मुझे ये पता था कि व्यूज से पैसा कम आता है। ऐसा नहीं है कि स्क्रैच आउटफिट्स मैं बनाऊंगी नहीं या करूंगी नहीं, वो चीजें मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ, बाकी मैं मेन चीज क्लियर कर रही हूँ आपको। तो टोटल ये सारा है, एक तो ये सब डिले होने की वजह, एक तो मेरी हेल्थ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ। मैं आपसे भी कहूंगी, आप में कोई भी है, किसी की तबीयत कुछ भी खराब है, तुरंत आप डॉक्टर से अपना देखिए, चेकअप करवाइए, अपनी हेल्थ पे पहले फोकस कीजिए, हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है। सेकंड थिंग जो मैंने अभी आपको पेमेंट का बताया कि इधर यूट्यूब साइड इतनी ज्यादा मेहनत करके आप अपने पे लेके देखो, आप वीडियो बना रहे हो, कटिंग स्टिचिंग रिकॉर्ड कर रहे हो, स्क्रैच आउटफिट आपको थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ रही है वीडियो बनाने के लिए ना, उसका टाइम और खराब करते हो, फिर घर पे आते हो एडिटिंग करते हो इतनी ज्यादा, फिर उसको अपलोड करते हो, चार बंदे उसको सारा देखते हैं, चार पैसा उससे आते हैं, एक आप कुछ नहीं है, एक कपड़े पहन के खड़े हुए ना, आपने स्टाइलिंग थोड़ा सा करा, एक रील बनाई अपलोड करी, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग से आप तिगुना चौगुना कमा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप किधर जाओगे, आप एफिलिएट मतलब उस काम की तरफ जाओगे जहां आपको ज्यादा अर्निंग मिलता है, पेमेंट आपको ज्यादा मतलब जहां से ज्यादा मिल रही है वहां आप जाओगे। तो मेरा सेकंड रीजन जो है ना ये पेमेंट का भी रहा है कि मतलब बेस्ट काम पे है, अर्निंग कहाँ है ज्यादा, तो अर्निंग फिलहाल के लिए मेरे इंस्टाग्राम से अर्निंग ज्यादा है, कहने का मतलब ये है यूट्यूब के कंपेयर में। थर्ड जो है, अभी जो वेडिंग सीरीज का मैं आपको बोली थी कि वेडिंग सीरीज लाऊंगी, तो मैं आपको बताऊंगी वेडिंग सीरीज जो है उसको एज ए वेडिंग सीरीज के नाम से नहीं मैं लाऊंगी, मैं ये अपडेट मेनली ये बताने के लिए मैंने पहले, हालांकि हेल्थ का कोई नहीं है वो तो मैं ना बताती तो भी चल जाता, मैं तो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है, ऑब्वियसली लगानी भी चाहिए क्योंकि मैंने बोला था, क्योंकि वेडिंग सीरीज क्योंकि डॉक्टर का ये कहना है कि ज्यादा प्रेशर नहीं देना माइंड को, ठीक है, हल्का काम करना है और लेट नाइट नहीं काम करना, 8 आवर नींद कंप्लीट होनी जरूरी है। उन्होंने मेरे डार्क सर्कल्स भी नोटिस कर लिए थे, उन्होंने बोल दिया था कि आपकी जो डार्क सर्कल्स है ना आपको दिख नहीं रहे, आप इतना लेट नाइट काम करते हो, तो मैंने कहा अभी ये तो स्ट्रगल वाला टाइम है तो करना ही पड़ता है, तो कहते स्ट्रगल वाला टाइम है लेकिन अभी से बीमारियां पकड़ोगे आप और फिर 40-50 के अंदर यू बॉडी यूं हो जाएगी बिल्कुल ही, कुछ ही नहीं होगा आपसे, तो हल्का 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 करो, ऐसा नहीं एकदम से भागो, बात उनके सही है वो अपनी जगह सही है, तो इसलिए फिर क्योंकि वेडिंग सीरीज मुझे पता है अभी जैसे रोका आउटफिट आ जाएगा, फिर मेरे भाई एंगेजमेंट आउटफिट, राजू एंगेजमेंट आउटफिट, फिर मेहंदी आउटफिट, फिर हल्दी आउटफिट, कितने आउटफिट मैं बर्डन लूंगी, और ये जो आउटफिट्स है सब पे मैंने आपको बोला था अच्छा खासा टाइम लगने वाले आउटफिट है, सारे सब पे काम होगा ज्यादा, और मुझे किसी पर्सन की नीड भी होगी क्योंकि मेरी वीडियोस बना दो, अभी जो भाभी है वो मायके गए हैं और सिस्टर के खुद के एग्जाम आ चुके हैं, वो भी पेशेंट भी बिजी, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो वीडियो बनाने वाला भी कोई नहीं है, खुद से वीडियो बनाने में वो मजा नहीं आता कि ऐसे यहाँ पे कैमरा बैठा है और मैं कुछ भी ऐसे ऐसे पोज कर रही हूँ, मजा नहीं आएगा कि लाइक मैं पास आई हूँ कोई मेरे पास कैमरा लेके आ रहा है ना, आप समझ रहे हो जैसे मैं नॉर्मल वीडियोज देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वेडिंग सीरीज आएंगी नहीं, मतलब आउटफिट्स आएंगे, मैंने आपको वो दिखा रहा था और गेंजा में फैब्रिक ले रखा था मैंने हल्दी आउटफिट के लिए, रोका आउटफिट ये रहा, ठीक है। और सेकंड एक मुझे ना इंस्टाग्राम स्टोर से, यहाँ पे है क्या, यहाँ नहीं है, मैं शायद उधर रखाई रूम में, इंस्टाग्राम स्टोर से मुझे एक फैब्रिक आया था, वो भी मतलब वो 10 मीटर है, उसका भी मुझे बनाना है और इसी मंथ देना है उनका, उनके साथ मेरा कोलैब है, एक सेकंड मैं वो दिखाती हूँ आपको, आप फैब्रिक एक ये फैब्रिक है ये ना ब्लू कलर का, ये ऑर्गेंजा है, ऑर्गेंजा में है फैब्रिक सारा, ये है 7 मीटर पता नहीं 6 मीटर, मुझे ध्यान नहीं, भी इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजा है मुझे, इंस्टाग्राम से मुझे किसी पेज ने भेजा है, तो इसका भी मुझे कुछ बनाना है, मतलब कपड़े बहुत पड़े हैं, ऐसा नहीं कि आउटफिट्स बंद हो जाएंगे, जैसा चल रहा था ना पहले स्क्रैच आउटफिट सीरीज जो रिक्रिएशन वाली सीरीज थी वही चलेगी। और सेकंड थिंग मैंने एक चीज ये भी नोटिस की अपने अंदर कि जो मेरी रिक्रिएशन वाली सीरीज है और जब नॉर्मल मैं खुद की तरह से आउटफिट जो बनाती हूँ मतलब अपने मन पसंद से जो आउटफिट, जैसे पिंक वाला भी बनाया मैंने है ना, पिंक साड़ी से जो बैकलेस काफी बनाया था मैंने डोरी वाला, तो ये आउटफिट्स कम ग्रो करते हैं, रिक्रिएशन सीरीज मेरी ज्यादा वर्क करती है, ये भी चीज मैंने नोट की है। तो इसलिए वेडिंग सीरीज ऐसा नहीं, वेडिंग सीरीज आउटफिट्स आएंगे, वेडिंग सीरीज के अंदर जो आउटफिट्स दिखाने थे वो सब आएंगे, ग्रीन कलर का फैब्रिक ले रखा है मैंने मेहंदी आउटफिट के लिए, हल्दी वाला मैंने आउटफिट आपको दिखा रखा है पहले ऑर्गेंजा वाला, ठीक है, और रोका आउटफिट आपके सामने ही अभी, और जो एंगेजमेंट आउटफिट हो गया, फ्लोर आउटफिट हो गए थोड़े हैवी वाले बनाऊंगी, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बनाऊंगी, बट मैं इसको वेडिंग सीरीज नाम नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पता है मैं बर्डन ले लूंगी कि हाय 4 दिन हो गए, हाय 10 दिन हो गए, आउटफिट नहीं आ रहा, तो वो मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है और मैं लेट नाइट तक नहीं जागूंगी, मैं नींद अपनी कंप्लीट करूंगी 8 आवर, तो ऑब्वियसली हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ मैं इस पर, अपनी हेल्थ को आगे रख रही हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, आउटफिट्स आएंगे, स्टार्ट कर दूंगी अभी, ये जो आउटफिट है मैं आपको प्रॉमिस आज कर देती हूँ उस डेट पे मैं दे दूंगी, आज है 18 है तो अभी इसका हाफ पार्ट रेडी हो चुके हैं, हाफ भी नहीं हाफ से ज्यादा 80% रेडी हो चुके हैं, 20% बाकी है, 18, 19, 20 है ना, तो
20 या 21, 20 या 21 को मैं ये आंसर दे दूंगी आपको, मतलब इसकी वीडियो दे दूंगी। और मैं डाउट में हूँ थोड़ा सा कि मैं लेंथी वीडियो दूंगी या शॉर्ट्स, क्योंकि लेंथी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है शूट करने में, लेंथी वीडियो में, और मेरे पास है भी नहीं अभी इसके ऊपर से। भाभी माई के गए, मैंने अभी आपको बताया, सिस्टर के खुद के एग्जाम्स आ चुके हैं तो वो अपने प्रिपरेशन में बिजी हैं, तो मेरी वीडियो शूट कौन करेगा, तो ये भी है। तो आप मुझे बता देना, शॉर्ट्स डाल दूंगी आप, शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट्स पूरा एक मिनट का डाल दूंगी यूट्यूब पे, और कहो तो मैं अलग से गेट रेडी विद मी होता है ना, पहन के आउटफिट को अच्छे से और ऐसे गेट रेडी विद मी पूरा मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर दूं, उसके अंदर बता दूंगी, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, तो जो हाफ बचा ना अभी ये वाली साड़ी का, जब भी मैंने बनाना है ये वाली साड़ी का, तो इसका लेट्स सी मैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग रिकॉर्ड करती हूं, नहीं करती, क्योंकि कटिंग एंड स्टिचिंग में बहुत टाइम लगता है और बहुत यू नो माइंड लगता है, तो मुझे ज्यादा लगाना नहीं है, मैं डॉक्टर की कहीं बात पे चल रही हूँ, ऑब्वियसली मैं अपनी हेल्थ को पहले रख रही हूँ। तो बस ये अपडेट देनी थी मैंने आपको, ताकि एंड सॉरी मतलब एज ए वेडिंग सीरीज के नाम से सीरीज नहीं आएंगी, मैंने बहुत इसके लिए पहले मतलब मैं दिल्ली गई, मैं हल्दी और मेहंदी वो सब लेके भी आई हूँ ना, ताकि मैं अपना बैकग्राउंड को थोड़ा एनहेंस कर सकूं, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर चढ़ेगा नहीं या फिर वेडिंग सीरीज है या फिर वेडिंग सीजन वापस आएगा नहीं, आएगा। एंड चलो देखते हैं अभी मैं मतलब किस तरीके से वीडियोस अपलोड कर पाती हूँ, लेंथी या शॉर्ट्स। तो अगर कभी बार लेंथी वीडियो ना अपलोड कर पाई ना, तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर या फिर शॉर्ट्स के अंदर अपडेट दे दूंगी कि इस बार शॉर्ट्स आएगा, तो मेक श्योर आपसे वो मिस ना हो जाए। और यहाँ ये कोशिश करूंगी मैं कटिंग ऐसी रिकॉर्ड करूँ, देखो वेस्टर्न आउटफिट्स की कटिंग मैंने बंद कर दी देनी, क्योंकि वो कोई नहीं सर्च करता, वेस्टर्न आउटफिट्स कोई नहीं बनाता, सब बने बनाए लेते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी होती है, आपको क्रिएटिविटी दिखानी है तो आप बना लेते हो, इंडियन आउटफिट सर्च होते हैं, इंडियन आउटफिट से लोग बनाते हैं, तो उनकी अगर वीडियो जैसे ये है ना बनाऊंगी, तो कुछ भी बना रही हूँ अभी, पता नहीं क्या ही बनाऊंगी, जो भी कुछ बनाऊंगी तो उनका रिकॉर्ड कर लूंगी कटिंग एंड स्टिचिंग जो भी है। तो ये आज की अपडेट थी, आज अभी टाइम हो रहा है 6:13, तो अभी मैं अपलोड कर दूंगी इसको 7:30 तक अपलोड कर दूंगी। सो बस ये अपडेट देनी थी, तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि अगर आपने किसी की भी तबीयत कुछ भी हल्का फुल्का है, तो अपनी हेल्थ पे पहले ध्यान दीजिए, काम को बाद में सेकंड नंबर पे रखिए, तो जैसे कि अभी मैंने अपनी हेल्थ को पहले रखा है। आउटफिट्स ऐसा मत सोचना कि आउटफिट्स बंद हो गए, राजीव ने वेडिंग सीरीज का नहीं स्टार्ट कर रही, तो राजीव मतलब और नहीं, वो अभी ट्रॉली बैग में पड़ा है कपड़ा, नहीं मैं आपको वो भी दिखा दूं, जो इंस्टाग्राम स्टोर से आया उधर पड़ा कपड़ा, जाने आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा मेरे को, मैं वो भी दिखा दूं, ये आउटफिट आएगा, हल्दी वाला जो कपड़ा लेके आई थी हल्दी आउटफिट के लिए वो आएगा, ग्रीन कलर का कपड़ा मीशो से मैंने ले रखा है, स्टे ट्यून, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, उसका आउटफिट आएगा, और इंस्टाग्राम स्टोर से जो है उसका आउटफिट आएगा, और भी बहुत सारे आउटफिट्स आने वाले हैं, स्टे ट्यून। एंड यस, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि बहुत फटाफट से आएंगे आउटफिट्स, आएंगे से महीने में कोई 3 आउटफिट्स आगे, 4 आउटफिट्स आगे, ऐसे आएंगे, बीच में कोई शॉर्ट्स भी डाल सकते हो, कोई जरूरी लेंथी वीडियो। तो बस ये आज की अपडेट थी, बहुत दिनों बाद ऐसे बस सोच रही थी कभी बस आज बनाऊं वीडियो, आज बनाऊं वीडियो, आज बनाऊं, बस टाइम नहीं लग रहा था उस पर। तो चलो अब बस वापस से कहूंगी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ प्रायोरिटी है हमारी। तो अब मैं चलो अब मैं चलती हूँ, और बहुत जल्दी मैं इसका अपलोड कर दूंगी वीडियो, से मैंने डेट दी आपको 20-21 को, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू सो मच, बाय बाय, एंड अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान दो, मेरे तो कानों को हाथ लग गए, बाय बाय।